तो पंत जो है वो माफी मांग रहे हैं जी हाँ रोहित शर्मा से। तो क्या हुआ ऐसा कि पंत को मांगनी पड़ी माफी, चलिए आपको बताते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मैच हो रहा है और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मैच में सिराज बॉलिंग कर रहे थे और बॉलिंग करते वक्त उन्होंने एक ऐसी गेंद डाली जो कि सीधे देखे तो बैट्समैन के पैड पर लगा। अब चूंकि सिराज तो बॉलर है तो मांगे कि रोहित भैया DRS ले लीजिए। रोहित सोचे कि DRS ले कि नहीं ले, तभी देखे तो ऋषभ पंत ने पीछे से बोला कि DRS लेने से कोई फायदा नहीं है, ये जो बॉल है वो विकेट को हिट नहीं करेगी। तो रोहित शर्मा देखे तो ऋषभ पंत की बात ज्यादा मानते हैं तो बोले कि ठीक है ऋषभ बोल रहा है तो भाई नहीं लेंगे, सिराज भाई तुम अगला बॉल डालो। लेकिन बाद में जब देखा गया स्क्रीन में तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बॉल जो है वो विकेट को हिट कर रही थी। तो स्क्रीन में बाद में देखा गया कि विकेट मिल सकता था सिराज को, लेकिन रोहित शर्मा ने तो ऋषभ पंत के कहने पर DRS नहीं लिया। तब यहाँ ऋषभ पंत को थोड़ा सा देखे तो गिल्टी फील हुआ और सिराज भैया जो है गलियाने लगे लास्ट में जाके कि ऋषभ चलते देखे तो विकेट नहीं मिला, नहीं तो मिल जाता। तो ऋषभ पंत ने सिराज से उसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगी कि सिराज भैया माफ़ कर दो, गलती हो गया। और सिराज भैया जो है माफ़ी अभी नहीं दिए हैं, अब कब देंगे पता नहीं, लेकिन आप बताएं कि आप टेस्ट देख रहे हैं कि नहीं।